हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ओशन ओनली हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि खुजली अगर आपके प्राइवेट पार्ट में है या फिर पैर के ऊपर एक भाग में है, तो फिर इससे होने वाले बच्चे का कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप के मन में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कौन कौन से वो लक्षण होते हैं लड़का होने के, क्या खुजली से पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे जैसे गर्भावस्था का समय जो है आगे बढ़ता है तो पेट पर खुजली होने लगती है। तो खुजली होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अब भाई, पेट बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब पेट में जो है रूखापन भी आएगा, और रूखापन आएगा तो स्किन में बहुत ज़्यादा जो है खुजली होने लगती है। ये बहुत सी नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है। आपको खुजलाना नहीं है, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली हो, चाहे आपके पेट के ऊपरी भाग में खुजली हो, तो आपको खुजलाना नहीं है। खुजलाएंगे तो आपको क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको मॉइस्चराइज़र करके रखना है। आपको बॉडी लोशन लगा सकती हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकती हैं, या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकती हैं, या फिर दोस्तों आप एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं। मॉइस्चराइज़र आप करके रखेंगे तो आपके नमी बनी रहेगी, आपको खुजली जो है कम होगी, कम खुजली होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है या फिर खुजली रहती है, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को जो है क्लीन करके रखिएगा। आप अपने प्राइवेट पार्ट के जो हेयर हैं उसको रिमूव करके रखिएगा, ओके, ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। जिस अगर आपके जैसे पेशाब में जलन रहती है तो हो सकता है आपके यूरिन में जो है इन्फेक्शन हो, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन लीक हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। बार बार यूरिन पास करने जाएँ तो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है, आपको वॉश करना है, ताकि आपको इन्फेक्शन से बचा जा सके, ठीक है। और खुजली की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है प्राइवेट पार्ट में, तो इन बातों को आपको खास ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं कि खुजली से कैसे पता लगाया जा सकता है होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो देखिए, कहा जाता है, अगर आपने बहुत से आर्टिकल्स में, वीडियोस में भी देखा होगा कि कहा जाता है अगर आपके बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है, और अगर आपकी खुजली कम हो रही है तो ये लड़की होने का लक्षण माना जाता है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है, और मैंने आपको रीज़न भी बता दिए हैं कि खुजली क्यों होती है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।